किंजलबेन, आपकी अंगूठी गलियारे में पड़ी हुई थी। मुझे लगा कि आप परेशान हो रही होगी, इसलिए मैं आपको देने चली आई। किंजल, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? नहीं माँ, वो मैं इसी के लिए परेशान थी। ये तुम्हारी सगाई की अंगूठी है, कोई ऐसी वैसी अंगूठी नहीं। तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? चलो इसे उंगली में पहन लो, ध्यान से पहनो, और अब उंगली से निकलनी नहीं चाहिए। और याद रहे, दोबारा ऐसी गलती ना हो। चिकन, ये सब मणिबेन, आप जिगर जी और एम जी के लिए पानी लेके आइए। मुझे नहीं चाहिए। भाभी, ये घर की क्या हालत हो गई है? देवर जी, आप कमरे में बैठिए, मैं आपके लिए वहां चाय भिजवाती हूँ। जिगर भाई, पानी। भाभी, राशि नहीं दिखाई दे रही कहीं पर? राशि बिन कमरे में। ठीक है। सुबह से शाम हो गई, ये सब फालतू काम करते करते। मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ क्या? क्या जिगर जी, आप भी मुझे ऐसे डरा के मार देना चाहते हैं क्या? वैसे भी मैं यहाँ काम कर करके मरी जा रही हूँ, और आपने मुझे इतना डरा दिया कि मैं गिर जाती तो? मैं तुम्हें गिरने देता तो ना? छोड़िए, आपको तो बस बातें बनाना आता है। और वैसे भी आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, देखिए मुझे बहुत काम करने हैं। अच्छा, तो फिर मुझे बताओ कि क्या काम है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इन पर्दों को उतार दीजिए, और हाँ, खिड़की पर मैंने जैसे ये अखबार लगाया वैसे वो लगा दीजिए। ठीक है। आप इतना कर दीजिए, तब तक मैं आराम कर लेती हूँ। मुझे ये बिखरा हुआ घर बिल्कुल पसंद नहीं है, पर ये पेंट की स्मेल मुझे बहुत अच्छी लगती है। और तुमको? माफ करना साहब, रंगाई से पहले दीवार को खुरचना पड़ता है, लेकिन ये सब
कब तक चलेगा? और वैसे भी शाम तो हो चुकी है। भाभी जी ने कहा कि काम जल्दी से जल्दी खत्म करो क्योंकि दिवाली नजदीक है। हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुझे लगता नहीं कि रात भर में ये काम पूरा हो पाएगा। ठीक है करो। ये अहम अभी तक क्यों नहीं लौटा? अरे कोकिला आता ही होगा। वो क्या है ना, अहम को ये रंग की गंध और धूल से बहुत परेशानी होती है। कह रहा था कि माँ मुझे सर दर्द हो रहा है, सर घूम रहा है, मैं थोड़ा टहल कर आता हूँ। पर उसे गए काफी समय हो गया, अभी तक क्यों नहीं लौटा? वैसे खाना खा के निकला है ना अहम, क्यों है तल? हाँ। अरे चिंता मत करो कोकिला, आ ही जाएगा, अहम बच्चा नहीं है। आज छाछ का मसाला राशि ने खुद बनाया है, बहुत अच्छा लग रहा है। पापा जी आप छाछ लेंगे? नहीं बेटा, थोड़ी देर बाद मुझे एक ग्लास गरम दूध दे देना, नींद अच्छी आती है उसमें। वैसे भी इस रंग रोगन की खुशबू से तो मेरा सर दर्द करने लगता है। भैया सुना है कि रंगाई का काम तो पूरी रात चलने वाला है, तो कोकिला सोने का इंतजाम कहाँ है? पराग भाई, किंजल और अहम का रूम तो तैयार है पर रंग अभी ताजा ताजा है ना, तो उसकी खुशबू आज का दिन तो रहेगी। और बाकी सब कमरों में अभी काम चल रहा है। अहम छाछ पियोगे? नहीं मॉम। कोकिला मैं ये सोच रही थी कि सारे बिछौने हॉल में कर दे तो हम सब इकट्ठा होके हॉल में सो लेंगे। काकी हॉल में? अहम बेटा वैसे गोपी के रूम में अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, तुम ऐसा करो तुम गोपी के रूम में क्यों नहीं सो जाते?